आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पॉर्न स्टार लाना रोडस के बारे में। लाना का जन्म 9 सितंबर 1995 को इलिनॉइस के शिकागो शहर में हुआ था। लाना युवा और ताजा नई पॉर्न स्टार में शामिल है। वास्तविक में वह एक टॉम बॉय थी। लाना बचपन में बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी और जब उनकी उम्र 17 साल की हुई तब उन्होंने ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की। छोटी लाना को खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता था। 18 साल होने के कुछ महीनों पहले ही वह शिकागो के करीब चली गई। वहां उसने द टिल्डेड किल्ड पर काम करना शुरू कर दिया। लाना हमेशा से पॉर्न स्टार बनना चाहती थी। हाई स्कूल के दिनों से ही वह सोचती थी कि कैसे अपनी पसंद को वास्तविक रूप दिया जाए। लाना जब 18 साल की हुई तो उन्होंने एक एजेंसी को लेटर भेजा जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी। लाना ने इसके बाद पॉर्न मूवी करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसकी माँ को उसके कारनामों का पता चला तो उसकी माँ ने उसे ऐसा काम करने नहीं दिया, पर लाना कहाँ मानने वाली थी। लेकिन फिर लाना ने थोड़े टाइम इंतजार करने का फैसला लिया। 2015 में उन्होंने फिर एक एजेंट से बात करी लेकिन उससे मिलने नहीं पहुंची। सोलह में जब लाना का उनके बॉयफ्रेंड से रिश्ता टूट गया तो पूरी तरह से लाना ने खुद को अपने करियर के लिए समर्पित करने का फैसला किया। वह पॉर्न इंडस्ट्री में जल्द ही बहुत आगे निकल गई और 20 साल की उम्र में एफटीपी गर्ल्स वेबसाइट के लिए उनका नया वीडियो सामने आया। एक अभिनेत्री के रूप में उसने स्टूडियो जैसे एवलेंजल गर्लफ्रेंड फिल्म, जॉर्डन वीडियो, ब्लैक डीजल, पेंटी हाउस, शारीरिक अमेरिका, इराटिक एक्स या स्वीट पापर के लिए काम किया। 2017 में उन्होंने ANBN अवार्ड्स 5 में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री और हॉट मॉडल के लिए गर्ल सेक्स सीन की सबसे प्रथम श्रेणी में रखा गया। लाना रोडस पॉर्न मूवी की जान मानी जाती हैं। सोशल साइट पर लाना की पॉर्न मूवी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली श्रेणी में आती है और उनके लाखों दीवाने हैं। अब मैं चलती हूँ और आपको छोड़ जाती हूँ लाना के कुछ हॉट फोटोज के साथ। आगे भी आपसे मिलती रहूंगी और बताती रहूंगी पॉर्न स्टार्स की कहानी। We'll be right back.